नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। आगरा में समाजवादी पार्टी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर दीक्षांचल विद्युत वितरण निगम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने किसानों के बिजली के बिल और नलकूपों के कनेक्शन में 18% जीएसटी को लेकर DVVNL को घेराव करने का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आगरा से मिल रही है। निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा ने बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई मधुसूदन जी ने देहात की समस्या से अवगत कराते हुए MD बिजली विभाग का घेराव करने का की अपील 5 अक्टूबर की है। उसी के अंतर्गत महानगर पूरे सपोर्ट के साथ, पूरी ताकत के साथ MD का घेराव करेगा और शहर की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से टोरेंट ने लूटपाट मचा रखी है, जिस तरीके से टोरेंट ने कोरोना काल में कोई ब्याज माफ़ नहीं करा, किसी का बिल माफ़ नहीं करा, उसके बावजूद आज की तारीख में तमाम बस्ती मोहल्ले कॉलोनियों में जितने मंदिर मस्जिद हैं सबकी बिजलियाँ काट के पुलिस फोर्स ले जाके दबाव में 4-4, 5-5 जीपे फोर्स भर के ले जाके काटने का काम टोरेंट कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम MD कार्यालय घेरने के साथ टोरेंट को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अब हमारे भक्तों को भी, हमारे नमाजियों को भी, पूजा करने वालों को भी अगर जो ये लोग परेशान करेंगे तो समाजवादी लोग इसको अनदेखा नहीं कर सकते। इसका डट के मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे और किसी कीमत पर इसको लागू नहीं होने देंगे मंदिर मस्जिद पर। और हमारी मांग है टोरेंट के GM से कि वो 300 यूनिट और 2 किलोवाट का, क्योंकि इस समय ये लोग लालच दे रहे हैं कि हम 1 किलोवाट और 150 यूनिट दे रहे हैं, उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं ना मंदिर वाले को ना मस्जिद वाले को। हमारी मांग है कि हमारे जितने भी मंदिर मस्जिद हैं आगरा में उनको 2 किलोवाट का लोड दिया जाए और 300 यूनिट फ्री दी जाए, जिससे वहाँ के पंखे और ट्यूबलाइट जल सके, क्योंकि 1 किलोवाट से न पंखे चल रहे हैं न ट्यूबलाइट चल रही है और न वहाँ का पानी की व्यवस्था समर उठ रहा है। यह हमारी सीधी तौर पर चेतावनी। आगरा जिला और महानगर समाजवादी पार्टी दक्षिणांचल विद्युत MD के घेराव के लिए किसानों की हित की लड़ाई लड़ने जा रही है और किसानों को जो 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमारी मांग है किसानों को 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो आज 6 घंटे मिल रही है। खेरागढ़, फतेहाबाद, बाह, ग्रामीण, एतमादपुर, इन विधानसभाओं में जब भी हम जाते हैं तो किसानों की मांग उठती है। किसान परेशान है, बेहाल है कि बिजली जो है 6 घंटे मिल रही है, इनको 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि GST जो लगा दी है वो GST हटानी चाहिए, बिलों में GST बिल्कुल हटा देनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी जो है, जो RC काट दी गई है, किसान पहले ही 2 साल से कोरोना काल में परेशान हैं और अगर ये RC उन्होंने काट दी है, 10,000 की RC थी उसकी 1,00,000 RC इन्होंने धंधा बना लिया है और कर्मचारी, नीचे के कर्मचारी धंधा बना करके बैठे हैं कि 1,00,000 का जिसका शुल्क लग गया उसे 20,000 में माफ़ कर देते हैं। ये इनका धंधा है, 20,000 वो खुद जो है रिश्वत के रूप में ले लेते हैं। इन्होंने किसानों को परेशान करने का काम किया है। पूरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो मुख्य उत्पीड़न कर रही है विद्युत विभाग द्वारा, नंबर 1 पे है जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया। 10 घंटे हमारा आगरा में जो जमीनी पानी है, जो जल स्तर है बहुत गहरा है, बहुत गहराई पे है। 10 घंटे में किसानों की खेती नहीं हो सकती। तो हमारी पहली मांग है जो सरकार का 10 घंटे का निर्णय है उसे 20 घंटे की जाए। और अभी वर्तमान में सरकार ने उसमें एक और कर दिया है कि अगर कोई फॉल्ट होता है, कोई बिजली किसी तरह से बंद होती है तो उसकी पूर्ति नहीं करते, यानी जो 10 घंटे वाली बिजली है वो बहुत सारे गांवों में किसानों को 5-6 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रही। तो हम सबकी, समाजवादियों की पहली मांग है कि किसानों को कम से कम 20 घंटे बिजली दी जाए। दूसरी मांग है बहुत महत्वपूर्ण
ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने किसानों के जो उपकरण है खेती से जुड़े उन पर GST लगा दिए। इसी क्रम में जो नए कनेक्शन, नए नलकूप कनेक्शन हमारे किसान लेते हैं उन पर 18% GST लगा दिए। ये सरकार ने शुरुआत में भी GST लगाई थी, जब ये सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय हम लोगों ने यहाँ आगरा में आंदोलन किया था और किसानों ने मेरठ में बड़ा आंदोलन किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने GST वापस ले ली। अभी 3 महीने पहले से फिर से किसानों के नए नलकूपों पर 18% GST लगा दी सरकार ने, इसका हम विरोध करते हैं और हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस GST को तुरंत वापस लेना चाहिए। साथ ही जो कनेक्शन बकाए पे कटते और जुड़ते हैं उन कनेक्शनों पर भी 18% GST लगा दी। जैसे अगर किसी किसान के नलकूप का कनेक्शन कटेगा और जुड़ेगा तो पहले 1000 रुपये लगता था, अब 18% GST लगा के उसमें 1180 रुपये लग रहे। वहीं लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कोई इतना झूठ नहीं बोल सकता जितना BJP के लोग बोलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP को ये भी नहीं पता कि महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में गोरखपुर में हुई कानून के लगातार उल्लंघन को लेकर और जिस तरह से व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सीएम के गृह जनपद में क्या हो रहा है, गोरखपुर में जो घटना हुई ऐसी घटना कभी देश दुनिया में नहीं हुई होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि BJP सरकार पूरी तरह से फेल है और बड़ी संख्या में लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब सप्ताह में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। वो सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में ही रहेंगी। इसके संकेत उन्होंने खुद गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में दिए हैं। प्रियंका ने गुरुवार को प्रदेश इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक कर अब तक की तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठकों में तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आसपास जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी तय किया गया है कि चुनावी रैलियों का आगाज वाराणसी से किया जाएगा और 10 अक्टूबर को होने वाली रैली में प्रियंका कांग्रेस के चुनावी प्रतिज्ञा का भी ऐलान करेंगे। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत कुल 4 प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली जाएंगी और प्रत्येक यात्रा के पहले प्रियंका की एक रैली आयोजित की जाएगी। ये यात्राएं तकरीबन 1 महीने तक चलेंगी और इनका समापन लखनऊ में एक महारैली के साथ किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये महारैली 19 नवम्बर को हो सकती है। पिछले 32 साल की गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के नाम पर लूटने का काम किया। उत्तर प्रदेश कंगाल होता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, लगातार किसान परेशान है, गन्ना किसान परेशान है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते से नीचे ले जाने का काम किया। इसी को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी 10 अक्टूबर को बनारस से रैली की शुरुआत करेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर जो लगातार उनके प्रयास चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ वो लगातार उठा रहे हैं, नौकरियों को लेकर या किसानों के मुद्दे पर, सभी पर, इन सारे विषयों को जोड़ते हुए 10 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा वाराणसी में शुरू हो रही जिसको श्रीमती प्रियंका गांधी जी संबोधित करेंगी। फिरोजाबाद के थाना नंगला सिंघी क्षेत्र में रहने वाले दौलत राम का 9 साल का बेटा गौतम अपने 8 साल के चचेरे भाई गौरव के साथ गांव के पास खेत में शौच करने के लिए गया था। उसके बाद गौतम वापस लौटकर घर नहीं पहुंचा। वहीं जब परिजनों को बच्चे की तलाश शुरू की तो मासूम गौरव ने परिजनों और ग्रामीणों को बताया कि खेत का मालिक मुकेश गौतम को पकड़कर खेत में ले गया है। जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण खेत में पहुंचे जहां गौतम को बिजली के खंभे से बांधा हुआ पाया गया। बच्चे के मुंह में कपड़ा भरा हुआ था और बच्चे का मुंह और हाथ पैर बंधा हुआ था जिससे वो शोर ना मचा सके। परिजनों ने करीब 4 घंटे के बाद बच्चे को मुक्त कराया। बाद में परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेत में शौच के लिए मासूम गया था लेकिन खेत के मालिक ने उसे बंधक बना लिया।
मैं और गौतम गए थे और वहाँ से एक आदमी ने शराब पी के खेत में ठाड़ा था, उसने हम रे दे तई मैं यहाँ रे भाग गया रेस में और मेरे साथ का गौतम रह गया। उसने वो आदमी ने वो गौतम पकड़ लिया और उसे खचेर के बाजरे में ले गया था और लट्टे से बांध दिया और हाथ पैर मुंह में लट्टे घुस दे हाथ पैर बांध दे। वो सोच के लिए गया था, खेत मालिक ने उसको बांध लिया था, उसको मारा था, उसका नाम मुकेश है खेत मालिक का नाम, और उसको खम्भे से बांध दिया था, बिजली के खम्भे से उसको बहुत जोर से मारा था, पीटा था, उसको बांध दिया था। उधर हम गए थे नाइट को, सूचना मिलने पर ढूंढा उसको तो मुंह में कपड़ा वपड़ा बंधा हुआ मिला था, 8 बजे लगभग मिला था। सर मेरा वो भतीजा था, बड़े भाई का लड़का था, और वो करीब 3 बजे से गायब था, और हमारे यहाँ पर एक 13वीं थी, वो प्रोग्राम था उसमें हम सब बिजी थे और हमारे को ये नहीं मालूम था कि क्या कैसे, सभी परिवार वहीं पर था, वो बच्चा वहाँ पर खेत में शौच करने के लिए गया था, वो वहाँ से उसको वो किडनैप कर लिया था, वो बिजली के पोल से बांध दिया था। तो फिरोजाबाद का एक पूरा मामला है जहाँ एक मासूम को बिजली के खंभे से बांध कर उसकी पिटाई भी की गई है, उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया है। जो खेत का मालिक है वो मौके से फरार है, लेकिन ये तालिबानी सजा आखिर क्यों दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। खेत मालिक ने मासूम को तालिबानी सजा दी, दरअसल दो मासूम बचे जो कि एक 7 साल का